वृंदावन मार्ग स्थित शिवनगर निवासी युवक पप्पू करीब 1.5 साल से डॉली 35 वर्षीय के साथ रह रहा था। डॉली और पप्पू के बीच रात को किसी बात को लेकर अनबन हो गई। शुक्रवार की सुबह उसने बिस्तर पर सो रही डॉली के गले पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी भाग गया। महिला के बच्चे जागे तो घटना का पता चला। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे, चौकी प्रभारी बिरला मंदिर, चौकी प्रभारी मुनेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी एमपी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि महिला की हत्या का आरोपी उसका प्रेमी पप्पू है, जो घटना के बाद मौके से भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने घटना के संबंध में पड़ोस के लोगों से जानकारी ली। पता चला कि डॉली की शादी 11 साल पहले आगरा के युवक से हुई थी। उससे 2 बच्चे भी हैं। 1.5 साल पहले पति ने डॉली को छोड़ दिया। इसके बाद महिला के साथ पप्पू रहने लगा। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बिना शादी के दोनों पति पत्नी बनकर रहते थे। रात में दोनों के बीच विवाद हुआ था। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज़। क्या नाम है इनका और क्या मामला हुआ है? हम आगरा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी राम है। ये भाभी है हमारी, हमने दूसरा आदमी करा है इसमें मुसलमान भैया से हमारे झगड़ा हुआ था, तो बच्चों के खातिर मैं भी आया। इन लोगों को पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई रात ही रात में, और जो है खिलाड़ी मार दी, गर्दन काट दी। कितने बजे का मामला रहा होगा सर? 12 बजे तक तो मेरे साथ बैठक हुआ था, लेकिन 3-4 बजे के आसपास करा है। किसने किया ये? ये दूसरे आदमी ने करा है। क्या नाम है? पप्पू। कहाँ रहते हैं वो? है तो रहने वाला छाता का। अच्छा, लेकिन यहीं रहता है। अरे जो मृतक हैं इनका क्या नाम है? डॉली। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी ये घिया मंडी के मथुरा के ही हैं। लेकिन और आप? हम आगरा के। ये आपकी कौन है? ये मेरी भाभी है, आगरा भी आई हैं। आगरा से यहाँ वापसी आ गई। थाना गोविंद नगर के शिवनगर कॉलोनी में आज रात एक 32 साल की युवती की हत्या हुई है, जिसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है अब तक, वो इसके हिसाब से इनका जो पति है वो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे किराए पे ये दोनों रह रहे थे, और रात 12 बजे तक इनका पति मौजूद था। उसके बाद पति मिस है। जिन लोगों का परिवारजनों का, इनकी बहन भी साथ में बगल रहती है दूसरे कमरे में, उसका कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। तारीर इन लोगों द्वारा दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, और फॉरेंसिक टीम और हमारी साइंटिफिक टीम आई हुई है, वो जांच कर रही है, और जो भी विधिक कार्यवाही है वो जल्दी ही अमल में लाई जाएगी। और आरोपी फरार है, और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना की गई है, और भी टीम बनाई जा रही है, और जल्दी ही रवाना की जाएगी।